वाह भाई, सही निशाना मारते हैं। कपिल तू कर सकता है, एक 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 कर सकता है। हाँ अभी कपिल तू अपने आप को तो मार चार बार। एक बार करना। या या व्हाई नॉट। या या व्हाई नॉट। पिछो 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 पिछो। हाँ बस। अबे एक तो मार, वनु कुड़ी नू ना मार दे। ओके। ले जा भाई, ले जा, ले जा। साथियों आप सब जानते हो लॉकडाउन की वजह से सूर्यवंशी जो है 2-3 बार पोस्टपोन हो गई। मैं यहाँ पे बैठे अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि आप में से कोई है जिसका लॉकडाउन की वजह से काम खराब हुआ हो, आप अपना किस्सा शेयर कर सकते हैं। जी मैडम, मैडम को माइक दीजिए उधर। पिंकी टिपू, सिद्धू पाजी होते पक्का बोलते हैं। हेलो सर। नमस्कार। हेलो, हेलो कपिल सर। हेलो अक्षय जी। हेलो मैम। मैं आपकी बहुत बड़ी फ्रेंड हूँ सर, यहाँ पर हूँ। हेलो अर्चना मैम। आप गुजराती हैं जी? सर जैसे आपका फिल्म जो था वो पोस्टपोन हो गया, वैसे मेरा प्रोग्राम भी पोस्टपोन हो गया बहुत बार। कौन सा प्रोग्राम सर? मैं और मेरे प्रोग्राम क्या होता है? उन्होंने बोला मेरा प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया। हाँ, मेरा मैं और मेरे हस्बैंड माउंट आबू रोमांटिक जगह पर जाने वाले थे, हिल स्टेशन पर, बट लॉकडाउन के हिसाब से हम लोग नहीं जा पाए। गुजरात में भी तो कितनी जगह है। हाँ सर, तो फिर जैसे कैंसिल होता गया होता गया होता गया, फिर हम लोग गुजरात गए टेम्पल पे और वहाँ पे माता रानी को प्रे किया कि भाई हम लोग जा सके माउंट आबू, और फाइनली हम जाके आए माउंट आबू रोमांटिक जगह पर। तो जब तक आप माउंट आबू नहीं गए आपने प्रोग्राम पोस्टपोन ही रखा। लॉकडाउन था तो कहाँ से जा पाएंगे सर? नहीं नहीं, पति घर में तो थे ही ना, लेकिन फैमिली थे तो एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे। सोती होगी फैमिली कभी तो किसी टाइम। जॉइंट फैमिली में रहते हैं आप? हाँ। ये तो होती है प्रॉब्लम जॉइंट फैमिली में, कोई ना कोई जागता रहता है ना। जागता ही रहता है। और मेरा बेटा है वो भी जागता ही रहता है, मोबाइल खेलता रहता है। अच्छा। बच्चों को पता है ना, हम सो गए तो जायदाद के हिस्सेदार आ जाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हंसी के देवता कपिल जी। ओहो, हंसी के देवता। एक्शन एक्शन सम्राट अक्षय जी, सुंदरता की मूर्ति कटरीना जी। वाह। ओहो, और ठाकों की रानी अर्चना जी। ओहो, थैंक यू। अच्छा मुझे लगा पराठों की रानी। ठहाकों की, ठहाकों की। सबको सल्यूट करता हूँ। धन्यवाद। गुड़गांव से मैं राजे निगम राज। आपका क्या फायदा हुआ जनाब? फायदा नुकसान, जैसे पिक्चर की डेट पुश होती रही बार बार, ऐसे हम लोग कवि हैं, गीतकार हैं, कविता पढ़ने जाते हैं मंचों पे, तो उनकी डेट बुक हो जाती पहले से ही जी। तो वो लॉकडाउन चक्कर थोड़ी पुश होती रही, 2-3 बार पुश हो गई। जब आगे बढ़ गई तो हम लोग परेशान हो गए, क्या करेंगे, आमदनी का जरिया भी थोड़ा सा गड़बड़ होने लगा जी। तो उसके बाद सोचा गया कि ये ऑनलाइन तरीके से अगर हम लोग जुड़े हैं तो ऑनलाइन हम लोग फिर आने लगे और धीरे धीरे कविताएँ पढ़ने लगे तो लोग जुड़ने लगे, और जो लोग पहले आते थे उससे ज्यादा लोग जुड़ गए, देश विदेश के लोग जुड़ गए, श्रोता बढ़ गए, दर्शक बढ़ गए, और हमारे बढ़ गए, मित्र बढ़ गए। बहुत ही आनंद आया हम लोगों को, और उसी दौरान कविताएं बढ़ गई हमारी, और 4 लाइनें मैंने अभी यहाँ बैठ के लिखी, आपके लिए एक माहिया लिखा है टप्पा जी जी, अक्षय जी को समर्पित है। हाँ जी, कटरीना जी को की पक्का अभी यहाँ लिखी है। बिल्कुल, यही कई बार कवियों की आदत होती है, मैंने अभी भी लिखी है, अभी लिखी 3 साल पहले होती है। अच्छा जी जी, प्लीज सर। अक्षय को मनाना है, अक्षय को बनाना है, कैटरीना 4 बजे जॉगिंग को जाना है, कैटरीना 4 बजे जॉगिंग को जाना है, बिकॉज़ लीव एक्सेप्ट। अच्छा, अक्षय जी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी धर्मपत्नी आई, ये भी कविता करती है, ये भी आपको 2 टप्पे सुनाएंगी। नमस्कार। पहली बार हुआ पति पहले बोला है। हेलो कपिल सर। नमस्कार मैम। मैं इंदुराज निगम गुरुग्राम से आई हूँ, और हम लोग दोनों ही आपके शो के बहुत 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 बड़े फैन हैं, और खूब
देखते हैं। आप दोनों की लव मैरिज हुई है? नहीं, अरेंज मैरिज है। एक आप भी कविता लिखती हैं? जी, मैं भी कविता लिखती हूँ। अरेंज मैरिज में दोनों आपको एक कवि और कवियत्री, वाह। एक दूसरे की कविता सुन के बात तय हुई थी? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन अच्छा बाद में सुनाया एक दूसरे को। कपिल सर, एक दो माहिया आपके लिए। रोते को हंसाता है, रोते को हंसाता है कपिल तुम्हारा शो, मन में बस जाता है कपिल तुम्हारा शो, जीवन दे जाता है। और एक लाइन गिन्नी जी को भी देती हूँ उसके लिए। तू एक अशरफी है, सब कुड़ियाँ फीकी, गिन्नी तो बर्फी है। सब कुड़ियाँ फीकी, गिन्नी तो बर्फी है। ये तो हमें पता है ना, बर्फी है कि नमकीन है। बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी नहीं, तेरे पिताजी भी सटके हुए हैं। तू क्या, ये क्या कर रही है तू? भूरी ये सब? भूरी नहीं, इंस्पेक्टर भूरी कहो। मैंने समाज की बुराई को खत्म करने का बीड़ा उठाया है। वाह, पहले तो पिताजी की बीड़ियां उठाती थी, अब तू बीड़े उठाने लगी है? पुलिस से मजाक महंगा पड़ेगा कप्पू शर्मा। पुलिस का तो मेरे को पता नहीं, चैनल को तेरा मजाक बड़ा महंगा पड़ रहा है। ये चार डांसर लेके आई तू, इतने पैसे लगवा रहे एंट्री पे, कैसी पुलिस वाले की रिवॉल्वर जैसा मुंह है। जितने स्पॉन्सर्स तुम्हारे शो में है ना, सस्ता तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। इतना इतना वो सिंगम बेचारा अजय लगा हुआ इतना, और इसने यूं यूं किया छोटी सी। सर पंजे का साइज छोटा है ना, क्या करे? तूने पूरा, तूने ऐसा किया भी नहीं। हाँ अब बराबर है, तूने यूं यूं किया। हाँ, ये क्रिमिनल नहीं पकड़ती ना, उनके चूजे पकड़ती है। मैं गेस्ट से मिल लूं? कटरीना मैम, अक्षय सर, आप दोनों को जान के बहुत बहुत खुशी होगी। उनको कोई खुशी नहीं हुई। आगे। अरे मुझे अपनी पूरी बात तो करने दो। मैंने सोच रखा है ऐसी बातें, मैंने पूरी होने नहीं देनी तू। अब बोल। मैंने थिएटर कंपनी ज्वाइन किया है, जहाँ पे मुझे पुलिस वाले का रोल मिला है, इसलिए मैं इस यूनिफॉर्म में आई हूँ। क्यों, किसी की सलाह क्यों नहीं लेती, ये सब क्यों करती है? अरे मैं क्यों किसी की सलाह लूं, मैं अपनी दिल की सुनती हूँ। कटरीना मैम, मेरे पापा कहते हैं कि कोई भी अच्छा काम करने से पहले ना अपनी दिल की सुनो। बस सुन, तेरे पापा ने तेरी मम्मी की सुनी होती ना तो आज तू नहीं होती। पहले डिसाइड कर ले, तुझे होटल चलाना है, नाटक करने, करना क्या है तुझे? ये एक्चुअली होटल चिल पैलेस मेरा होटल है, और पता नहीं क्यों इसे प्रॉब्लम है। सुनील शेट्टी को देखो, मिथुन चक्रवर्ती को देखो, वो होटल इंडस्ट्री में भी है और एक्टिंग भी कर रहे हैं। उनके दोनों काम अच्छे चल रहे, तेरा कोई एक भी नहीं चल रहा। एक्सक्यूज मी, किसने कहा नहीं चल रहा? सर जब से मैंने फॉरेस्ट थीम रखा है ना होटल का, होटल फुल जा रहा है, फुल। आपको पता है कटरीना, ये इसने ना चार सांप पाल रखे हैं, हैं? उनको भेजती आस पड़ोस में, जाओ दूध पी के आओ, फिर जब वो दूध पी के आते हैं ना, पकड़ के निकाल लेती, कहती चलो। तू करने क्या आई इधर? सर रोहित सर आपके दोस्त हैं, मेरा नाम आप रेकमेंड कर दीजिए। देखिए मैं पुलिस की वर्दी में ऑलरेडी हूँ, तो लुक टेस्ट तो हो गया मेरा, तो आप उन्हें प्लीज मेरा नाम रेकमेंड कर दीजिए। ये ले, जो तू लेने आई तू ले और जा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.